ओके गाइस सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रीम डिसकनेक्ट हो गई थी बीच में। अभी लाइट आ चुकी है वापस, तो अभी ठीक है। यहाँ पर लाइट आ गई है हमारी भाई। लाइट भी मतलब क्या चंटीबाजी कर गई थी, गई और आ गई। देख रहे हो, मतलब सिर्फ वाईफाई बंद करना था, लाइट का कुछ नहीं करना था भाई। सॉरी, यहाँ पे उबेद अंसारी वेलकम टू स्ट्रीम भाई। हमारे ग्रुप ए का मैच तो अलग स्ट्रीम पे होगा और ग्रुप बी का हमारा अलग स्ट्रीम पे होगा। चल कोई नहीं, अच्छी बात है, अलग अलग। पहले लाइट आ गई, हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। उबेद अंसारी ये लो लाइक करो। थैंक यू सो मच भाई। लाइक जल्दी फटाफट गाइस यहाँ पे 10 लाइक कंप्लीट कर दो। आवाज नहीं आ रही आपकी भाई, वो मैंने माइक बंद करा हुआ था जब मैं डिस्कॉर्ड पे बात कर रहा था। अभी मैंने वेट कर लिया। उबेद अंसारी भाई स्ट्रीम डिले है ताकि यहाँ पे स्ट्रीम स्नैप ना हो, तो थोड़ा वेट करो, मेरा आएगा रिप्लाई। शुरुआत में मैंने माइक नहीं बंद ऑफ था क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे बात कर रहा था। अभी मैंने ऑन कर लिया स्ट्रीम पे वापस। गाइस जल्दी से जिसने तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो। चैनल पर अगर नए हो चाहे तो सब्सक्राइब करो। अगर आप अपने टीम के साथ यहाँ पे रेगुलर T3 स्क्रीम्स खेलना चाहते हो, जो कि हमारे रहते हैं, अभी हमने होल्ड पे रखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्री टूर्नामेंट चल रहा है, तो इसके बाद से चालू हो जाएंगे। अगर तुम खेलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लूबेरी गेमिंग कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, फटाफट जा करके उसे ज्वाइन कर लो। उसमें से हमने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम आपको पता है यहाँ पे टीम का कैसे डिसीजन करो। ओके, रूम आईडी मिल चुकी है और यहाँ पे 30 बंदे आए रूम में। क्या बात है, ग्रुप बी के बंदे कहाँ रह गए? ग्रुप ए के बंदे तो फुर्ती में आए थे यहाँ पर। सून 801 के पे पार्टी चाहिए। हाँ भाई आंसर भाई देंगे। 800 कल भी थे, कल भी 850 थे, लेकिन यहाँ पे 70 बंदों ने भाई कतई अनसब्सक्राइब कर दिया। पता नहीं क्यों कर दिया, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। कुछ गलत फैमिली हो गई इसलिए उन्होंने यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया है। कोई बात नहीं ब्रो, होता है, ये तो चलता रहता है। कल भाई 850 हो गए थे, क्या खुशी हो रही देख करके। लेकिन अभी यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे 700 हो चुके हैं, मतलब 800 के करीब है, थोड़ा सा 4 रह गए केवल कम। तो भाई जल्दी से जल्दी स्ट्रीम पे नया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यहाँ पर, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको यहाँ पे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाना ना सुनना है क्या, तो रूम फिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम है, पूरे
6 मिनट है यहाँ पर रूम स्टार्ट होने में और 41 बंदे रूम के अंदर आ चुके हैं। हमारी ब्लड की स्क्वाड भी खेलती हुई इस रूम में, क्या बात। हम देखें कोई एम्यूलेटर प्लेयर तो नहीं आ चुका ना, क्योंकि एम्यूलेटर प्लेयर आ गए हैं केवल फोन के बंदे यहाँ पे खेल सकते हैं। पबजी मोबाइल है, पबजी पीसी नहीं है। टीएल की स्क्वाड यहाँ पे आ चुकी है, जिनका स्लॉट यहाँ पे टीएल में 19 है। हमारी सोल की स्क्वाड एक्सीडेंट के एक्वा ओपी को लेकर आए खिलाने के लिए, क्या बात, कल भी यही लेके आ रहे थे 17। हमारी अमल की स्क्वाड हमारी टीम में 16 कंप्लीट आती हुई, एक बंदा रह गया इनका अभी वहाँ पे टीम में 14 के बंदे यहाँ पे रूम के अंदर आ चुके हैं। दीपक यादव आ चुके हैं स्ट्रीम पे, वेलकम टू स्ट्रीम भाई, पधारो, स्वागत है तुम्हारा। और लौंडे क्या हाल है दीपक भाई, मुझे पता चल गया कि 10 तारीख को आ रहा है तू, तो भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ 10 तारीख का। 10 तारीख को पैसे आने वाले हैं गाइस मेरे अकाउंट में, तो सब लोग रेडी रहना, बहुत ही तगड़ा गिव अवे निकालूंगा मैं यहाँ पर 1K पर, क्योंकि दीपक यादव यहाँ पे 10 तारीख को वापस आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, जो कि बहुत ही मालदार पार्टी है, इनकी जेब में बहुत माल रहता है और माल ये बहुत मेहनत से कमाते हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाते हैं एक्चुअली। उस माल के लिए बेचारे क्या क्या देते हैं अपनी बेचारे दीपक की स्ट्रीम तो ही ले जाती है। कोई बात नहीं दीपक, होता है, तेरा भी टाइम आएगा, तू भी लेगा मेरी भाई रूम बन चुका है। मैं यहाँ पे यालगार चलाता, चल मैं यालगार सुनाता हूँ फिर से, कल भी सुनाया था ना, आज यालगार नहीं, यालगार से बोरिंग सा हो जाएगा अगर रोज रोज सुनोगे। अब मैं सुनाता हूँ आपको, मतलब भाई गाना बोरिंग नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि गाना बोरिंग है, मतलब बार बार सुनोगे तो फिर भाई है ना अजीब सा लगता है। ना रुको आपको, नेफेक्स से चलाता हूँ, नेफेक्स के गाने में तो चलो भाई ये लो गाइस सुनो आराम से, जब तक यहाँ पे गाने चल रहे हैं। ये YouTube है भाई, यहाँ ऐसा होता ही रहता है। हाँ अंश भाई, यहाँ तो होता ही रहता है, हमने कुछ भी बातें तो करनी है आपको। अच्छी भाई, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो वरना तो आपकी भी जल्दी लाइक करो। यहाँ पे 49 बंदे रूम के अंदर आ चुके हैं, पहले बोरिंग सा हो गया था कि यहाँ पे अपना एरिया भी सुन करो, गाना भी सुन करो। यहाँ पे अपना यहाँ पे समय चला दिया गाना, जो कि भी चल रहा है। और गाइस यहाँ पे स्ट्रीम डिले है, तो ये मत सोचना कि मैं आप लोगों की चैट नहीं रीड कर रहा हूँ भाई, चैट तक भी पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे 50 बंदे भाई, बहुत ही कम बंदे हैं भाई आज 70 शब्द हैं, कल 7 तो आएंगे। हाँ भाई अंश भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, आप लोग की मर्जी है, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे तो, सपोर्ट करो, बाकी हम आपके लिए ऐसे ही फ्री टूर्नामेंट्स कराते रहेंगे। बाकी बहुत दिन हो गए हम क्लासिक भाई, जब से हमने यहाँ पे कस्टम चालू किया क्लासिक के स्ट्रीम, बहुत ही रेयर था, मैं कर पाता हूँ कि रात में मुझे यहाँ पे मतलब मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं रात में स्ट्रीम करने को, नहीं तो मैं फिर रात में यहाँ पे क्लासिक गेम खेल के स्ट्रीम करता। लेकिन क्या बताऊँ भाई, इन्हें प्रूव करना पड़ेगा मुझे पहले, यहाँ पे परमिशन देनी, परमिशन के लिए मुझे यहाँ पे उनको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूट्यूब कोई मतलब बेकार चीज़ नहीं है भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए पहले उन्हें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे। अंश भाई 50 बोल, पिछले मैच का क्या हुआ प्रकाश भाई, पिछले मैच का स्ट्रीम देखी नहीं तुमने, स्ट्रीम नहीं देखी तुमने? पिछले यहाँ पे ATS की स्क्वाड ने भाई 16 किल की तरह सिकंदर निकाल दिया। XNX की स्क्वाड यहाँ पे सेकंड आई थी और थर्ड आई थी हमारी XC18 की स्क्वाड, नहीं फोर्थ आई थी XC18 की स्क्वाड, थर्ड हमारी कोई और आई थी, थर्ड हमारी आई थी TRS की स्क्वाड आई थी, जैसे TSR या फिर TRS की स्क्वाड आई थी। पिछले मैच का अपलोड होगा ब्रो, दो दो स्ट्रीम हो गया, अभी बीच में लाइट चली गई थी, लेकिन अच्छा हुआ पिछले मैच के दौरान बीच में यहाँ पे लाइट चली गई, जब मैच खत्म हुआ उसके बाद चली गई लाइट, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमसे कि हमने यहाँ पे बीच में यहाँ पे दूसरा स्ट्रीम चालू हो चुका है। गाने चल रहे हैं मस्त यहाँ पर, दीपक यादव बाय प्यूडी पाए सुना, बाय प्यूडी पाए सुना, हाँ भाई सुना है भाई, कैरी भाई कही तो है, वो कौन नहीं सुनेगा भाई, सबने सुना होगा वो तो, कैरी भाई के गाने कौन नहीं सुनता होगा हमारे एक की बात करो, अपन भाई यहाँ बड़े बड़े लोग भी सुनते हैं, अपन एक होता है
57 बंदे यहाँ पे आ चुके हैं और केवल 2 मिनट रह गया है यहाँ पे रूस का टूर्नामेंट। 7 फ्रेंक का भाई हिटलर भाई केवल आए हैं, स्ट्रॉन्ग निंजा भाई कहाँ रह गया और क्या फिर करने के अंदर नहीं आप लोग क्या होंगे। गाइस यहाँ पे 9 लाइक हो चुके हैं, क्या बात। ओके हमारा गेम स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, तो पहले से गाना वाना बंद कर दिया अपन, गेम पे स्टार्ट देते हैं, ध्यान देते हैं मतलब स्टार्ट कर देते हैं भाई स्टार्ट करना। हाँ मनीष भाई हो तो गया स्टार्ट, ब्रो एक मिनट डिले कर देते हैं ताकि ताकि यहाँ पे जो बंदे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं ना, 50 कुछ बंदे होते हैं बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रहम करते हैं हम, एक मिनट डिले कर देते हैं, कोई बात नहीं। 15 का टाइम होता है, 16 पर हमने स्टार्ट कर दिया अपना मीरामार मैप ग्रुप बी का दूसरा मैच, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है क्वालिफायर राउंड का। 60 बंदे आए हैं इस ग्रुप के अंदर, एक्साई के पूरे 4 बंदे आते हुए ये है हमारी वो टीम जो कि खेलती हुई सेवन स्काई के। फिर भी देखो गाइस यहाँ पे 3 बंदे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, गाइस अगर आप लोग स्क्रीन देख रहे हो सेवन स्काई के बंदे तो प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन कर लिया करो। भाई कहाँ गया वो बंदा, एग्जिट कर गया भाई सेवन स्काई का बंदा, रूम ही एग्जिट कर गया, क्या बात। उसके बंदे यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाते बेचारा गुस्सा होकर यहाँ पे रूम एग्जिट कर गया है भाई। टीम 20 मैंने अभी यमराज टी वाई वॉरियर और भाई भाई 08 खेलते हुए वहाँ पर टीम 13 टी एफ थ्री स्क्वाड खेलती हुई, जिसमें 2 ही आए हैं पे सीजन ए आर और टी एफ भाई। फैजन शेख ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम। टीम 19 हमारी येरी ब्रो टी एल की स्क्वाड। ओके प्लेन पास हमारा आ चुका है जो कि यहाँ पे लॉस लियो से होता हुआ ला कोबरे ला कोबरे कोबरेरा की तरफ जा रहा है भाई, क्या जहर नाम है जगहों का, मतलब कोबरेरिया कोबरेरिया ला कोबरेरिया की तरफ जाता हुआ हमारा प्लेन पास की कार्ड है, हमारा हॉट ड्रॉप है। लॉन्ग स्लीवन से बंदा जाना चाहेंगे, पावर ग्रिड भी हमारा हॉट ड्रॉप है। सैन मार्टिन हमारा प्रभात कुजूर वेलकम टू स्ट्रीम भाई, आई सपोर्ट टीम 8 के। गाइस जल्दी से फटाफट अपनी टीम का नाम लिख करके जल्दी जीजी सैंको देखें भाई यहाँ पे कौन कौन से बंदे यहाँ पे अपनी कौन कौन से टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टीम नंबर 11 हमारी ड्रॉप ले चुकी है, टीम नंबर 19 यहाँ पे ड्रॉप ले की डीएल के जो कहती थी इम्पाला की साइड निकलना चाहिए प्यू तो फरेसो की तरफ हमारी टीम रेड की जाती हुई वहाँ पर। टीम नंबर 3 के बंदे यहाँ पे ड्रॉप ले चुके हैं, टीम नंबर 23 यहाँ पे ड्रॉप लेती हुई, टीम नंबर 13 के बंदे यहाँ पे ड्रॉप एल ओ सी की स्क्वाड यहाँ पे चुम अकेला की तरफ बढ़ती हुई। टीम 19 भाई डीएल के स्क्वाड ग्रो पता चल गया मोहम्मद शेख वेलकम टू सी भाई डेडली लाइट टीम नंबर 19। ये मोहम्मद शेख भाई यहाँ पे टीममेट को टीम को सपोर्ट करते हुए काफ़ी स्क्वाड यहाँ पे ड्रॉप ले चुकी है। सैन मार्टिन की तरफ थोड़ी सी स्क्वाड बढ़ती हुई, टीम नंबर 3 हमारी एक्साई की स्क्वाड जो कि मॉन्टी या फिर लैंड्रेला की तरफ बढ़ती हुई वहाँ पर चुमाकेरा में, टीम नंबर 23 और एल ओ सी की स्क्वाड पहुँची है जाएंगी। हमें फाइट देखने को मिल सकती है, 3 स्क्वाड यहाँ पर चुमाकेरा में जा रही है तो यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है। पहली फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे न्योंस न्योंस की साइड टीम नंबर 9 आई है, टीम नंबर 4 आई है जो कि गाड़ी लेके आई है, इम्पाला निकलना चाहती है। टीम नंबर 4 यहाँ पे पहुँच चुकी है इम्पाला की तरफ, मियाँ खलीफा की स्क्वाड है टीम नंबर 4, लेकिन भाई वो मियाँ खलीफा असली अली मियाँ खलीफा नहीं, वो बंदा है इसने नाम रखा मियाँ खलीफा को, यहाँ भावनाओं में बह मत जाना। वहाँ पे टीम 21 के बंदे यहाँ पे भाई भाई की स्क्वाड है जो कि कल यहाँ पे 4 किल निकाले थे अपनी स्क्वाड के लिए और यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं अभी भी यहाँ पे। जोन हमारा पहला बन चुका है जो कि
सेंटर में बना है जहाँ तक है, सभी लोग यहाँ पे जोन के अंदर हैं, बहुत आसानी होगी लूट सके आराम से पहले जोन में तो एंट्री ले लेंगे। फिर हमें दूसरा जोन देखने को मिलेगा टी नंबर 16, अमल की स्क्वाड यहाँ पे टोरे ओमा की तरफ बढ़ती हुई भाई कतई जया नाम है सैन मार्टिन में। यहाँ पे हमारी टी नंबर 8 होती है जो कि एसकॉम की स्क्वाड है, सोल की स्क्वाड भी वहाँ पे उतरती हुई। यहाँ पे टी नंबर 21 और टी नंबर 14 के बंदे यहाँ पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं अपने लूट की तरफ। वहाँ पे टीम 21 और टीम नंबर 14 से हमें फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे टीम नंबर 14 को और टीम नंबर 21 के बंदे ने आई थिंक फाइट खेलना चाहते हैं। तीन बंदे यहाँ पे गाड़ी के ऊपर, वहाँ पे टीम नंबर 14 के बंदे गन वन मिल गई कुछ तो यहाँ पे चलती है गाड़ी से डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे हेलमेट कुछ भी नहीं होगी तो बहुत आसानी से यहाँ पे डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टीम 19 के बंदे लूट करते हुए टीम नंबर 11 यहाँ पे लूट करके चुमा खेला। यहाँ पे टीम 20 आई थिंक फॉल बैक कर गया चुमा खेले से, वहाँ पे उनको पता चला कि दो दो स्क्वाड आई थी एलओसी की स्क्वाड है हमारी टीम 20। टीम 23 हमारी VI8 की स्क्वाड है, पूरे चार बंदे हैं यहाँ पे खेलते हुए। भाई कुछ कुछ स्क्वाड को देख के बहुत मजा आता है जिनके मतलब बंदे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल भाई सही टाइम पे चारों बंदे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और खेलते हैं टूर्नामेंट। ऐसी बहुत सारी स्क्वाड है, कुछ कम मतलब दो तीन स्क्वाड है जो यहाँ पे मतलब भाई क्या बताएं सही टाइम पे आईडी पासवर्ड देने पे भी यहाँ पे रूम नहीं ज्वाइन करते हैं, क्या बात भाई। डोमिनिक सोल वेलकम टू स्ट्रीम भाई। टीम सोल कहाँ है? टीम सोल भाई, टीम सोल ये रही हमारी सैन मार्टिन की साइड यहाँ पे लूट कर रही है। टीम नंबर 17 हमारी सोल एशियंस, वहाँ पर टीम नंबर 8 के बंदे भी वहाँ पे लूट करेंगे, फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मनीष भाई घर पर है सोल की टीम मनीष भाई घर पर, हाँ घर पे तो भाई सभी टीम है, घर पर बैठे खेल रहे हैं। वो पूछ रहा है कि मैप में कहाँ पर है। टीम नंबर 17 के बंदे यहाँ पे थोड़ा सा लूट एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर जोन हमारा बन चुका है पहला। टीम नंबर 16 अभी भी अपने कंपाउंड की तरफ बढ़ रही है। टी नंबर 3 यहाँ पे मॉन्टी न्यूवो लूट रही है, वहाँ पे एक बार जो मैं टी नंबर 24 लूट करेगी। टी नंबर भाई चुमा खेले में तीन तीन स्क्वाड आई थी, फाइट अभी तक किसी की नहीं भिड़ी है, ऐसा कैसे भाई? जरा देखिए कौन कौन सी स्क्वाड है। 15 है हमारी ईओ की स्क्वाड है, एसके साहिल भाई खेलते हुए, ईओ फील भाई, आदि भाई और लेजेंड भाई यहाँ पे खेलते हुए अभी आराम से लूट कर रहे हैं। 15 के बंदे थोड़ा अप साइड की तरफ है चुमा खेला में, वहाँ पे नीचे की साइड टी नंबर 23 यहाँ पे लूट कर रहे हैं चुमा खेला में। डोमिनिक तुम नहीं खेलते क्या सोल के साथ? ओके मोहम्मद सकी टी नंबर 19, टी नंबर 19 भाई दिखाते हैं वेट। टी नंबर 19 हमारी, टी नंबर 19 गेरी टीएल की स्क्वाड जो कि यहाँ पे आराम से लूट कर रही है, लूट करके फिर यहाँ पे अपने दूसरे कंपाउंड की तरफ निकलना चाहिए। वहाँ पे SAF की स्क्वाड हमारी भाई, इनकी गाड़ी में से गुल धुआं हुआ निकल चुका है भाई, कहाँ से जो बस्तरे आया मिस कर दिया हमने इससे। वहाँ पर टीम 23 और 15 की फाइट देखने को मिली। टीम 20 वहाँ पे चुमा खेले से फॉल बैक कर रही थी, पर्सन दोबारा वहाँ पे दो दो राइट वहाँ पर फॉल बैक कर रहे। टीम 23 के बंदे फाइट खेलना चाहेंगे टीम 15 से, दूसरे प्लेयर को मौका दिया गया है। अच्छा भाई डोमिनिक सोल ने यहाँ पे दूसरे प्लेयर को मौका दिया खेलने के लिए, क्या बात। ओपी जीजी गाइस। टीम नंबर 9 के बंदे यहाँ पे अपनी जली हुई गाड़ी में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं भाई, अपने कंपाउंड की तरफ निकलना चाहते हैं। लूट आई थिंक इनमें से किसी के पास भी नहीं है अभी तक, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल से बच के निकले हैं और अपने कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जंक यार्ड आई थिंक लूटना चाहेंगे टीम नंबर 9 के बंदे, वहाँ पर टीम 31 हमारी अल हजर लूटेगी। जोन वन में हमें यहाँ पे फाइट बहुत ही कम देखने मिली, गन फाइट की हुई यहाँ पे, पिकार्डो भाई कोई भी नहीं आया, पावर ग्रेन यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तो गन फाइट क्या देखने को मिलेगी। जो मकेरा में यहाँ पे तीन स्क्वाड थी लेकिन जिसमें से एक स्क्वाड यहाँ पे फॉल बैक कर चुकी है, तो 23 और टीम नंबर 15 की यहाँ पे फाइट हो सकती है जो मकेरा में। डेविल भाई जस्ट फीडिंग, डेविल भाई जस्ट फीडिंग, अच्छा समझ गया मैं, मनीष भाई समझ गया। टीम 19 मोहम्मद भाई ब्रो, टीम नंबर 19 अभी लूट कर रही है। ओके टीम नंबर 9 के पास टीम नंबर 4 एंट्री लेना चाहती है और आई थिंक यहाँ पे टीम नंबर 4 और टीम नंबर 19 की फाइट देखने को मिलेगी। हमारी एक्सॉम की स्क्वाड भी खलीफा हन्नी भाई और मयंक नायल यहाँ पे खेलते हुए टीम नंबर 4 में, पीछे हमारी डीएल की स्क्वाड है पूरे चार बंदे, ट्रिगर इन्फर्नोवा गोस्ट भाई स्पाइडी भाई जो कि धीरे धीरे टीम नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। जोन हमारा पहला है, अभी टाइम है काफ़ी, 30 सेकंड है बंदों के पास यहाँ पे जोन में निकलने का, 30 सेकंड में हमारा जोन शट हो जाएगा स्लिप होना। दूसरा जोन देखने को मिलेगा हमें 30 या 40 सेकंड के बाद। लॉन्डे टीम 19 दिखाना भाई, लोड़े भाई, लोड़े भी लिख रहा है तू और भाई भी लिख रहा है, ये क्या बात हुई यार। फैजान लॉन्डा लिखा है कि लोड़े लिखा है भाई, मुझे नहीं पता, बाकी कुछ भी लिखा हो भाई थोड़ा देख ले यार लोड़े भी लिखा है भाई भी लिखा है, क्या बात, सही है लॉन्डे तो सही जा रहा है।
यहाँ पे हमारे डील के पूरे चार बंदे हैं, थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। टीम ऑफ फोर की काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे टीम में 19 की फाइट देखने को मिलेगी। डीएल के इन्फर्नोमा स्पाइडी भाई काफी उस साइड आ चुके हैं भाई। डीएल के बंदे बिल्कुल स्प्लिट होकर खेलने हैं, दो बंदे इस साइड है, दो बंदे उस साइड घेरना चाहते हैं पे टीम ऑफ फोर को। लेकिन टीम ऑफ फोर भी थोड़ा सा स्प्लिट हो रखी है, तो यहाँ पे अगर एक बंदा डाउन हुआ तो रिवाइव होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ब्लड दिखाओ प्रकाश भाई, ब्लड दिखाते हैं, वेट करो। ब्लड की स्क्वाड अभी यहाँ पे लूट कर रही है, तो जब उनकी फाइट होगी तब दिखाएंगे वो लोग अभी आराम से यहाँ पे लूट करेंगे। वहाँ पे टीम 21 की काफी फाइट होती हुई टीम नंबर 9 से काफी नजदीक आ चुके हैं दोनों स्क्वाड। और यहाँ पे भाई भाई ने ये सामने बिल्कुल दो दो बंदे, एक बंदा तो बिल्कुल उनके नीचे आ चुका है एस ए एफ का। भाई भाई के सामने 1v1 की सिचुएशन देखते हैं, वो नहीं कर पाते हैं ऐसे एस ए एफ के बंदे के पीछे। भाई भाई पीछे निकल रहे हैं, उनको पीछे से पड़ सकती है एस ए एफ के बंदे, और बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे पीछे से उनको डाउन कर सकता था एस ए एफ के। उबन भाई, उबेद भाई, जैफी भाई, डॉक्टर भाई और फायर बीच में स्पाइडी एसके ने हन्नी को यहाँ पे डाउन कर दिया। डीएल की स्क्वाड की फाइट होती हुई यहाँ पे टीम नंबर 4 से एक बंदा नॉक करके फिनिश कर दिया टीम नंबर 4 के हन्नी भाई को। टीम नंबर 4 थोड़ा सा स्प्लिट हो रखी थी यहाँ पे, जैसा लग रहा था वही हुआ, यहाँ पे नॉक हो गया, फुर्ती फिनिश हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, टीम नंबर 4 के बंदे बिल्कुल फैले हुए हैं। वहाँ पे टीम नंबर 9 हमारे डीएल ट्रिगर और गोस्ट भाई है, डीएल इन्फर्नो, यहाँ पे एक्सकॉम विंट्रिक्स और मयंक 9 की काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत इन्फर्नो के लिए, यहाँ पे फॉल बैक कर रहे हैं, पीछे से ना पड़ जाए टीम नंबर 4 के यहाँ पे, पीछे से यहाँ पे इनको नॉक ना कर देगा। नॉक हो गए यहाँ पे इन्फर्नो का, तो इनको रिवाइव देना थोड़ा सा मुश्किल होगा डीएल के बंदों के लिए। यहाँ पे मयंक नायल भाई पीछे से आते हुए इसी के साथ इन्फर्नो को यहाँ पे धप्पा किया और नॉक करके फुर्ती में फिनिश करेंगे डीएल के बाकी बंदे अपने टीम मेट की तरफ बढ़ते हुए। मियाँ खलीफा आराम से बैठे हुए हैं, देखते हैं वहाँ पे वो धप्पा करेंगे बाकी दो बंदों को, ड्रिगर को, पोस्ट को। आई थिंक ड्रिगर ने यहाँ पे मियाँ खलीफा को स्पॉट कर दिया हुआ, तो उनको पता होगा मियाँ खलीफा कहाँ पर है, तो अपने टीममेट्स को प्रॉपर कॉल देंगे कि यहाँ पे बंदा बैठा हुआ। उधर टीम ऑफ फोर के एक सॉम भाई और मयंक नायर पीछे साथ हुए। कैरी भी वेलकम टू स्ट्रीम भाई, भाई टीम 18 को दिखाओ, दिखाते हैं भाई, वेट करो। आदित्य पदीकर वेलकम टू स्ट्रीम भाई, भाई टीम 21 को दिखाओ। अबू व्यापारी ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम भाई, कभी मत दिखाना भाई सब लोग क्या दिख रहे हैं। टीम 21, टीम नंबर 18, टीम नंबर 4 और टीम नंबर 21 भाई, वेट करो दिखाता हूँ। टीम ऑफ 4 देखो यहाँ पे फाइट हो रही है, टीम ऑफ 4 और 19 वाले बंदे देख लो यहाँ पे इनकी फाइट हो रही है। मैं दिखाता हूँ भाई, तुम तो बिल्कुल चढ़ जाते हो मेरे ऊपर भाई, दिखाऊंगा फाइट तो हम लोग सब लोग यहाँ पे लूट कर रहे हैं आराम से। यहाँ पे टीम 19 और 4 की फाइट हो रही है, तो वेट करो। वहाँ पे डीएल के बंदों ने एक बंदा डाउन किया टीम नंबर 19 का, टीम ऑफ 4 का भी एक बंदा डाउन है यहाँ पर। और मयंक नायल को पीछे से यहाँ पे डीएल के ट्रिगर ने धप्पा किया। मियाँ खलीफा यहाँ पे एंट्री लेते हुए, अकेले बंदे बचते हैं अपनी स्क्वाड में, सामने टीम नाइट के पूरे दो बंदे हैं और 1v1 दोनों स्क्वाड में एक बंदा, और डीएल का एक बंदा फिनिश कर दिया मियाँ खलीफा ने। वहाँ पे कुछ आता हुआ डीएल की तरफ से, और यहाँ पे मियाँ खलीफा ने 1v1 फाइट, और इसी के साथ यहाँ पे डीएल की स्क्वाड पूरी वाइप कर दी है। एक्सॉम विंटिक्स भाई यहाँ पे बचे हैं जिनको यहाँ पे रिवाइव देंगे मियाँ खलीफा, दो बंदे फिनिश हो चुके हैं मयंक नायल और हन्नी भाई। और लेकिन यहाँ पे 4 किल हो चुके हैं डीएल के स्क्वाड ने, बहुत ही ओपी खेला। अब देखते हैं भाई टीम नंबर 18, चलो भाई टीम नंबर 18 पे चलते हैं। बंदे बोल रहे टीम नंबर 18 दिखाओ, पहनचो टीम नंबर 18 तो है ही नहीं, और तुम तो चूतिया काट रहे हो मेरा यार किस्म से। टीम नंबर 18 का है भाई यार, तुम तो कहते ही भाई बवाल आदमी हो, कुछ भी कहो कैरी बात बवाल आदमी। 19 दिखाता हूँ, वेट करो। टीम नंबर 19 हमारी कहाँ है, भाई डीएल की स्क्वाड की फिनिश हो गई है। आदित्य पदिता टीम नंबर 21 भाई, तुम तो यार बिल्कुल अच्छा। ये टीम नंबर 21 भाई भाई की स्क्वाड है यहाँ पे, टीम भाई भाई उसका नाम है ब्रो, भाई भाई की स्क्वाड, भाई भाई उसका नाम है। यहाँ पे तीन बंदे हैं इनकी स्क्वाड में, खेलते हुए जोन निकल रहे हैं अभी यहाँ पे, लूट वूट कर लिया टीम नंबर 9 से, थोड़ा सा फाइट की थी, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक करके यहाँ पे जोन निकलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के लिए भी खेलना पड़ेगा बंदों को। यहाँ पे टीम ऑफ 15 जोन में एंट्री लेती हुई, जो कि बिल्कुल जोन के एच पे है। यहाँ पे ईओ की स्क्वाड है इनके सामने, नंबर 3 है जो कि आ रही है एक्साई की स्क्वाड यहाँ पे सैंडविच बस्ती, क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 23 के बंदे पीछे की साइड है और सामने टीम नंबर 15 के बंदे हैं, तो यहाँ पे एक्साई के दो बंदे यहाँ पे सैंडविच हो सकते हैं, जो कि स्कॉर्पियन भाई और यहाँ पर कौन से स्कॉर्पियन भाई और फैलकन भाई काफी आगे आ चुके हैं टीममेट से। यहाँ पर
सैंडविच होने के चांसेस हैं। इनके पीछे टीम 15 है और सामने टीम 23 है। कैरी ब्रो यहाँ पे टीम नंबर 18 तो है ही नहीं, कैसे दिखा दूँ भाई। अपनी टीम का नाम बताओ, मैं आपके अपने टीम मेट्स का नाम बताओ, प्लेयर्स का नाम बताओ, मैं आपको बताऊँ दिखाता हूँ भाई। टीम नंबर 18 तो क्योंकि है नहीं टीम में ब्रो, टीम नंबर 19 है, फिर उसके बाद टीम नंबर 20 है, टीम नंबर 18 नहीं खेल रही है ब्रो। टीम नंबर 19 वाइप आउट। ये गाइस जल्दी से एक बार मुझे ये बताओ, आप किस टीम से, अपने अपनी टीम का नाम लिखोगे? जी जी सैम को ये मत लिखो, टीम नंबर 18, टीम नंबर 19, टीम 20, अपनी टीम का नाम लिख करके एक बार जल्दी से जी जी सैम कर दो। मैं भी देखूं भाई आप लोग कितना अपने टीम में यहाँ पे सपोर्ट करते हो, कौन कौन से बंदे हैं जो यहाँ पे किस किस टीम को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और इस टीम लाइक जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पे केवल 11 लाइक हैं। फटाफट जल्दी से यहाँ पे 20 लाइक कर दो, फटाफट जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, जाके लाइक वाला बटन को फोड़ दो और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना अगर आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर होंगे। यहाँ पे एसके के बंदों ने यहाँ पे एक्साइ के जादू को स्कॉर्च किया, जादू के ऊपर यहाँ पे M4 कर पे 3X के साथ, और यहाँ पे साहिल भाई ने डाउन किया स्कॉर्पियन भाई, यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक्साइ के बंदों के लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे जैसा लग रहा था सैंडविच होंगे और वही हो गए हैं। यहाँ पे फैलकन भाई अपने टीम मेट को, लेकिन टीम पीछे थे वो 15 के बंदे ऊपर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत एक्साइ के लिए। टीम नंबर 3 के बंदे यहाँ पे लूट करना चाहेंगे, टीम नंबर 23 यहाँ पे फाइट करना चाहेगी टीम नंबर 3 से, और वहाँ पे टीम नंबर 3 के थोड़ी सिचुएशन बाहर निकलती हुई दो बंदे ऊपर की साइड पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर वहाँ पे फाइट ले रहे हैं टीम नंबर 15 से, जो कि ईओ की स्क्वाड है भाई। अलग ही दिक्कत चल रही है यहाँ पे, तो कदे इंटेंस मूवमेंट चलता हुआ बिल्कुल, बंदे फाइट ले रहे हैं वहाँ पे, रिवाइव हो रहे हैं, नॉक हो रहे हैं। एक्साई के एक और बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका भाई, नाम कतई ध्यान रखते हो इसलिए मैं केवल एक्साई बोलूंगा आप स्क्वाड का नाम। वहाँ पे टीम 23 के दो बंदे नजदीक आ चुके हैं, टीम बंदे के बाकी दो बंदे वहाँ पे कवर देते हुए पीछे थे, 15 के बंदे किल चुनाने के लिए बैठे हैं। बी आई का एक बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका, दूसरा बंदा वॉरलॉक यहाँ पे डाउन हो चुका, स्कॉर्पियन भाई को नॉक किया पीछे से, गॉड का बहुत ही ओपी कवर था, फैलकन भाई बहुत कम एक्चुअली बचे लेकिन पीछे टीम 15 है, तो यहाँ पे टीम नंबर 3 को उस साइड भी देखना पड़ेगा, इनके पास कवर नहीं है, काफी अच्छा कवर है। यहाँ पे टीम नंबर 18 के पास रिच का कवर है, यहाँ पर भाई टीम सॉरी टीम 15 के पास हाइट का एडवांटेज है। टीम नंबर 33 यहाँ पे दो बंदे फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियन को यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है फैलकन द्वारा। वहाँ पे बी आई 8 का एक बंदा डाउन है, जो कि हॉर्क्रक्स भाई है। ब्लड रोहित शेड ओपी को दिखाओ, दिखाते हैं भाई, वेट करो। आदित्य पदितर भाई टीम 20 में दिखाते हैं भाई। मनीष कुमार शेड की बात मत कर भाई, रोहित बहुत ओपी खेलता है। हाँ भाई बहुत ही ओपी खेलता है। काले को दिखाओ भाई, काले को दिखाओ, मुझे नहीं पता ब्रो काला कौन है। डोमिनिक सोल बी टी आर ओ पी, पर बी टी आर तक खेल ही नहीं रही है भाई, कतई जहर यार तुम तो। ये मनीष और आदित्य भाई कतई मानना पड़ेगा उनको। अनंत राठौर वेलकम टू शिवाय फैंस कम स्क्वाड ये टीम एक्सकॉम। जी जी आप बहुत स्वीट हो कैरी भाई, थैंक यू सो मच, बोल देना सिंगल सिंगल करने को। मनीष कुमार भाई सिंगल करना चाहते हैं ब्लड शेर से, क्या बात। स्क्वाड पैंथम स्क्वाड बताओ ब्रो, दिखाते हैं भाई पैंथम स्क्वाड दिखाते हैं, वेट देखे पैंथम स्क्वाड कहाँ पे। अभी यहाँ पे टीम 23 की फाइट हो रही है, जोन के फाइट बाहर यहाँ पे जोन बन चुका है, सोल की स्क्वाड की हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी टीम नंबर 14 से, जो कि हमारी टी एस की स्क्वाड है। यहाँ पे काली एक्सी भाई इस सोल की स्क्वाड काला खोने भाई, मुझे नहीं पता बोलो, मुझे नाम बताओ मैं आपको दिखाता हूँ। सोल यहाँ पे बासा भाई खेल रहे हो, अभी टी एस के रक्स भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, एरो सोल यहाँ पे डाउन होते, बासा एफ टी डब्ल्यू ने पीछे से यहाँ पे राज को यहाँ पे डाउन किया। टीम 40 के दो बंदे डाउन है, टीम 17 यहाँ पे एक बंदा डाउन है, काली भाई ने एक और बंदा यहाँ पे एफ टी डब्ल्यू के यहाँ पे डाउन किया। 40 में यूजी चुटकी, अभी केवल टीम नंबर 14 का लास्ट बंदा बचा हुआ है, यूट्यूबर लो स्टोरी भाई, और इसी के साथ यहाँ पे टीम 14 की कहानी खत्म होती हुई। यहाँ पे तीन बंदे डाउन कर दिए थे टीम नंबर 17 के, लेकिन अभी यहाँ पे तीनों का आराम से रिवाइव मिलेगा, लूट करेंगे। 4 किलो हो चुकी है सोल के स्क्वाड के पास, वहाँ पे टीम 23 भाई अभी भी फाइट ले रही है उनके पास, और टीम नंबर 3 के बंदे भी अलाइव हैं अभी। स्कॉर्पियन भाई बच्चे हैं अकेले, जो कि आई थिंक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं फाइट के लिए, चाहते हैं सामने टीम नंबर 3 के पूरे दो बंदे बच्चे हुए हैं, फोन भाई और गॉड भाई, और पीछे हमारी टीम नंबर 15 के पूरे चार बंदे। तो यहाँ पे टीम नंबर 23 को देखना पड़ेगा, थर्ड पार्टी ना हो जाए भाई, जोन भी स्टार्ट हो चुका है तो बंदों को यहाँ पे जोन भी निकलना पड़ेगा, तीसरा जोन बनने वाला है हमारा। वहाँ पे टीम नंबर 20 यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री लेते हुए, टीम नंबर 13 यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री ले चुकी है पैंथम बी टी आर ओ पी। यमराज 5152 को बताओ ब्रो, पैंथम की स्क्वाड देखेंगे ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ पैंथम की स्क्वाड, ढूंढने दो मुझे पहले पैंथम की स्क्वाड। भाई पैंथम स्क्वाड का नाम है कि किसी बंदे का नाम है, क्योंकि पैंथम की स्क्वाड मुझे दिख नहीं रही है ब्रो।
बाकी भाई भाई की स्क्वाड को दिखाता हूँ, टीम 21 को दिखाता हूँ। वेट करो यहाँ पे टीम 21 देखे कहाँ पर है। टीम 20 की यहाँ पे LOC की स्क्वाड है जिनकी यहाँ पे टीम 11 से फाइट देखने को मिलेगी। गाइस जहाँ फाइट होगी वहाँ दिखाऊंगा ब्रो, ऐसे तो कहीं जाने जाते हैं। ये बंदे यहाँ पे लूट कर रहे हैं, अपने जोन में निकलना चाहेंगे। अभी यहाँ पे टीम 20 और टीम 11 की फाइट हो रही है, वहाँ पे टीम 9 यहाँ पे जोन के निकल चुके हैं। टीम 13 यहाँ पे जोन में आती है, ब्लड वर्सेज LOC की फाइट देखने को मिलेगी। ब्लड बीस्ट यहाँ पे वॉल के कवर में, ईगल भाई बिल्कुल वेयर हाउस के कवर में। टीम OP वहाँ पे वॉल की साइड, यहाँ पे LOC के स्टाफ को यहाँ पे बीस्ट ने डाउन किया। मैगस भाई आगे बढ़ते हुए, स्टॉम भाई कवर आएगा बीच के लिए, मैगस को यहाँ पे बीस्ट ने डाउन किया। फेज भाई भी आते हुए और बीस का बहुत ही OP से जाता हुआ यहाँ पे बीच यहाँ पे आई थी। ओके पेज को भी यहाँ पे बीच में डाउन कर दिया, स्टॉम का बहुत ही OP कवर आता। टीम 11 ने यहाँ पे पूरी एक स्क्वाड वाइप कर दी है LOC की, और यहाँ पे चार किल निकाल लिए भाई बीच भाई, 3 किल निकाले अपने स्क्वाड के। स्टॉम का बहुत ही OP कवर आया था बीच के लिए, अगर वहाँ पे कवर नहीं आता तो बीच यहाँ पे डाउन हो सकते थे, लेकिन स्टॉम ने बहुत ही सही टाइम पे एंट्री मारी और यहाँ पे डाउन किया और चार किल हो चुके। टीम 11 यहाँ पे लूज करेगी, जोन बिल्कुल बगल में है तो आराम से यहाँ पे जोन पहुंच जाएगी। जोन के एच पे ये बिल्कुल बोलो यहाँ पे टीम 23 के VI कॉर्ड और मून भाई यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, जोन निकलना है। टीम 23 के XI स्कॉर्पियन भाई यहाँ पे जोन निकलना चाहेंगे। भाई भाई को बताओ को दिखाते हैं, भाई 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 को दिखाते हैं। फिर टीम 21 में है ना भाई भाई की स्क्वाड, ये नहीं ये रहे भाई टीम 21 हमारी भाई भाई की स्क्वाड जो कि अभी यहाँ पे जोन के बाहर है, जोन निकलना चाहेंगे। इनके आसपास कोई स्क्वाड है नहीं तो फाइट थोड़ी सी मुश्किल होगी। हमें यहाँ पे छोटे जोन में हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे केवल 2 मिनट रह गए हैं जोन स्टार्ट होने में, हमें चौथा जोन देखने को मिलेगा। 13 टीम अलाइव है, 40 बंदे अलाइव है भाई। कहीं यहाँ पे स्ट्रीम डिले है तो थोड़ा सा रिप्लाई का वेट करना, थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा, इसलिए ये मैं सोचना कि मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, चैट में तब भी पढ़ रहा हूँ और गेम भी देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेट रिप्लाई आएगा। स्ट्रीम स्नैच हूँ इसलिए हमने यहाँ पे 2 मिनट का डिले डाला है भाई। फ्री टूर्नामेंट है, पॉन्टेबल वाला मैच है तो यहाँ पे डिले डालना बनता है। यहाँ पर वहाँ पे आनंद राठौर टीम XCOM GG, यस प्रभात भाई XCOM खेल रही है। ओके लेट मी सी XCOM कौन सी स्क्वाड है यहाँ पर। ओके टीम नंबर 8 है हमारी XCOM, टीम नंबर 8 देखिए कहाँ पे, अभी सैन मार्टी में है, वहाँ पे आराम से लूट कर रहे हैं। लूट तो हो चुके हैं, अभी जोन के निकलना चाहेंगे। टीम नंबर 16 हमारी अमल की स्क्वाड यहाँ पे जोन में आ चुकी है, जोन के एच के पीछे। इनके टीम नंबर 17 के बंदे रोटेशन लेकर के निकलना चाहते हैं जो कि हमारी सोल की स्क्वाड है भाई, 4 की लूट चुकी है। इनकी गाड़ी लेकर रोटेशन ले रहे हैं। इनके सामने टीम नंबर 9 है जिनके साथ इनकी फाइट हो सकती है। SAF की स्क्वाड है यहाँ पे, SAF की स्क्वाड का स्प्रे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बादशाह SUW बिल्कुल प्यार से यहाँ पे बस लेके निकल गए उबेद के सामने से। यहाँ पे सैफ के उबेद भाई बिल्कुल देखते रह गए भाई स्प्रे स्प्रे, और एक और गाड़ी भाई ये कैसे मतलब बिल्कुल जाने दे रहे हैं यहाँ पर। ये पानी ने स्प्रे स्टार्ट किया रहता है सर, यहाँ पे कनेक्ट भी वन का स्प्रे M763 और एक और गाड़ी निकलती हुई इनके सामने से भाई। सोल की पूरी स्क्वाड एक एक करके टी नंबर 9 के आगे से बिल्कुल प्यार से सकती। मैं ब्लड रोहित को खेलते हुए देखना चाहता था, वो बड़ा अच्छा खेलता है और स्वीट भी है। ये ब्लड रोहित के फैन आते हुए, ब्लड रोहित ने भाई यहाँ पे छोड़ दिया, हमने तो उससे बोला था कि भाई तू कॉम्पिटिटिव खेले। ब्लड रोहित अभी केवल हम PMCO तक हमने उसको होल्ड पर रखा है, उसके बाद वो वापस स्क्वाड में एंट्री लेगा। क्योंकि PMCO में ब्लड रोहित का नाम नहीं डालता था, क्योंकि हमने मना कर दिया था कि PMCO नहीं खेल पाएगा वो, तो हमने उसका PMCO में नहीं डाला। PMCO तक केवल वो आराम कर रहा है, उसके बाद वापस वो स्क्वाड में एंट्री लेगा। कस्टम में आपको फिर देखने को मिलेगा ब्लड रोहित का जलवा, यहाँ पर ब्लड शेड उसने जलवा दिखाई रहे हैं। यहाँ पे सोल की स्क्वाड जोन पहुंच चुके भाई, सोल की स्क्वाड जो निकली है टीम 9 के सामने से एक एक करके भाई, देखने वाली बात थी कुछ भी को क्या निकली है वो एक एक करके मानना पड़ेगा सोल की स्क्वाड को। यहाँ पे रेड जैसी भाई अपने टीम मेट्स के साथ जाते हुए जोन निकलना चाहते हैं, सारी टीम यहाँ पे जोन के अंदर आना चाहेंगी। यहाँ पे 13 टीम बची हैं, जोन हमारा यहाँ पे चौथा बनने वाला है। मीरामार का मैप हो भाई, बहुत ही OP रेज वाली फाइट होने वाली टीम बच्ची की। यहाँ पे स्कॉर्पियन भाई रोटेशन लेकर यहाँ पे जोन आ रहे हैं जो कि अकेले बच्चे हैं। यहाँ पे टीम 10 हमारी 4S की स्क्वाड है, फ्रोस भाई, जिक्सॉ भाई और हिटलर भाई, सैफ गॉड भाई क्या बात। अनंत रावत थैंक यू, अरे अरे वेलकम ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू किस बात का भाई। टीम XCOM FTW, ओके टीम XCOM FTW पर बात भाई दिखाते हैं। वेट करो ये भी टीम नंबर 8 हमारी XCOM में FTW पे खेल ही रहा है ब्रो। वेनम, रीपर, आर्थुर और जिमी ओत भाई खेल रहे हैं। गाइस जल्दी से यहाँ पर स्ट्रीम को लाइक करो फटाफट जल्दी से गाइस, यहाँ पर केवल 11 लाइक भाई बहुत ही बुरा लगा यहाँ पर देख करके। जल्दी से गाइस इस 11 लाइक को 20 लाइक में कन्वर्ट कर दो, जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका फटाफट लाइक ठोको। और वहाँ पे टीम नंबर 16 की यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी हमें,
टीम नंबर भाई कौन से साथ टीम नंबर 9 के साथ क्लोजिंग कर चुकी है। अमल की स्क्वाड है यहाँ पे, अमल का अमल कर्मा भाई बिल्कुल जीने बैठे हुए पीछे के लिए थे, टीम नंबर 9 के बंदे आगे पीछे लेकर उसी के साथ अमल कर्मा को यहाँ पे डाउन किया। अक्कू भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, अजय भाई अकेले रखे टीम नंबर 16 और इसी के साथ आई थिंक टीम नंबर 16 पूरी वाइप होगी यहाँ पे टीम नंबर 9 के। डॉक्टर ओपी को यहाँ पे डाउन किया और आई थिंक आप पूरा किल कन्फर्म करना चाहेंगे यहाँ पे अमल के, अजय एस एफ के पूरे तीन बंदे हैं यहाँ पर अपने टीम में बताना चाहेंगे। वन वी थ्री की सिचुएशन यहाँ पे अजय के सामने यहाँ पे पुश होता हुआ तीनों बंदों का और यहाँ पे साइड से यू भी लेकर एंट्री ले चुके हैं, लेकिन भाई बहुत ही ओपी तरीके से नजर है यहाँ पे उनको नॉक किया और खुशी में यहाँ पे जैसी को फिनिश किया और यहाँ पे गन स्विच कर लिया, एस के एस निकाल लिया भाई, क्या बात है लोंडा क्या खेल रहा है अजय भाई। वन वी थ्री और एक और बंदा यहाँ पे डाउन कर दिया और यहाँ पे किल कन्फर्म करने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ पे फ्री फायरिंग करता हुआ, एसकेएस निकाल लिया, दो बंदे डाउन है अभी लास्ट बंदा बचा टीम नाइन के लिए वहाँ पे फिनिश किया। इसी के साथ दो बंदों ने सही टाइम पे आ गए थे भाई, दो बंदे बचे थे मेरे को ऐसा लास्ट बंदा बचा है, दो बंदे से डाउन कर दिए थे भाई। बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित का, अच्छा मनीष भाई कोई बात नहीं, फैन हो आप मैं समझ गया ब्रो। हम लाएंगे रोहित को भी वापस लाएंगे कस्टम यहाँ पे एस सी एफ के भाई, लेकिन रेड जैफी को जो खाया है ना फुर्ती में नॉक करके वहाँ पे मारना पड़ेगा यानी कि अजय को। ओपी ब्रो ओपी बहुत ही तगड़ा खेला यहाँ पे, टीम नंबर 9 की 3 किल हो चुकी है, एक बंदा फिनिश हो चुका है, तीन बंदे बचे हैं टीम नंबर 17 हमारी सोल के, दो बंदे यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री ले चुके हैं, बाकी दो यहाँ पे जोन के अंदर आ जाएंगे। टीम नंबर 4 हमारे एक्सकॉम के विंट्रिक्स भाई बचे हैं जो कि यहाँ पे दो निकल रहे हैं गाड़ी लेकर के, दोनों बंदे यहाँ पर विंट्रिक्स और खलीफा यहाँ पे एफ टी डब्ल्यू मतलब फॉर द विन। अच्छा ब्रो ये है ब्लड स्टेट गु है भाई, उसकी बात मत किया कर यार डेविल। अरे भाई मैंने कब बात करी ब्रो, आपने तो बोला था कि ब्लड स्टेट काफ़ी अच्छा खेलता है ब्रो, ऐसी बात नहीं है गु है ब्रो, सभी अच्छे खेलते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं कि सब बेकार खेलते हैं ब्रो। और मैंने तो ब्रो कभी ऐसा बोला नहीं कि ब्लड की स्क्वाड जो है ब्रो नूब है, नूब थी और नूब रहेगी। यहाँ पे ऋचिक भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं 4S के, यहाँ पे सैक्स गॉड भाई मस्त यहाँ पे ट्रक में लेटे हुए हैं पीछे, ऊपर टीम नंबर 70 के पास बहुत ही अच्छा एडवांटेज है भाई। रोस्ट भाई क्या मस्त जगह लेटे हुए हैं भाई, क्या ही लेटे हुए हैं, किसके नीचे लेटे हुए हैं कवर देखो भाई, जो ऊपर वाले बंदे हैं उनसे बचने के लिए वो उसके नीचे लेटे हुए थे, अभी वापस आ चुके हैं। ब्लड स्टॉर्म ने विपार आरसी को यहाँ पे M24 का फटका दे दिया है टीम नंबर 23 और टीम नंबर 11 की यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी भाई, किसको डाउन किया यहाँ पे टीम नंबर 11 के स्टॉर्म में, लेट्स सी विपार आरसी टीम नंबर 24 के बंदे को नहीं, विपार हो गया टीम नंबर 24 का बंदा है यहाँ पे, गोस्ट पेलिकन भाई प्योनिक भाई और ऋचिक भाई कल भी खेल रहे थे ये बंदे और आज भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं अपनी टीम लेकर के और इधर यहाँ पे फाइट लेंगे। जियो खेला अभी तक खाता नहीं खुला तो खाता खोलना पड़ेगा। इधर हमारी ब्लड की स्क्वाड की 4 किल हो चुकी है यहाँ पे टी एफ के, यहाँ पे जियो खेला दो ही बंदे खेलते हुए यहाँ पे यमराज भाई गाड़ी से टर्न होते हुए टीम नंबर 23 का बहुत ही ओपी स्प्रे जाता हुआ टीम नंबर 21 के एक बंदे को डाउन कर दिया भाई, रोटेशन लेकर के यहाँ पे जोर निकलना चाहिए टीम 21 और इनकी गाड़ी से बिल्कुल धुआं निकल चुका है और सामने इनके बिल्कुल टीम नंबर 13 है पीछे यहाँ पे टीम नंबर 11 और ब्लड बीस्ट का बहुत ही ओपी स्प्रे आता हुआ M4 का टीम नंबर 11 ने यहाँ पे फिनिश किया, वहाँ पर 5-6 किल हो चुकी है ब्लड बीस्ट, यहाँ पे 5 किल निकाले अपने स्क्वाड के लिए। एक्वा काले को दिखाओ, एक्वा काले को टीम 70 की बात कर रहे हो, वेट भाई दिखाता हूँ, जोन हमारा बन चुका है छठा, सॉरी पांचवा जोन बन चुका है, यहाँ पे 10 टीम बची हैं, 32 बंदे अलाइव हैं भाई, बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे जोन के अंदर। एक्वा बोलो ये रे एक्सीडेंट के एक्वा होती काला भाई, ऐसा मत बोलो ब्रो भाई कहते यार जहर बंदा ये तुम्हारा बोलो। इधर यहाँ पे टीम नंबर 7 के चारों बंदे अलाइव है, 4 किले हैं जोन के अंदर एंट्री ले रहे हैं, चारों के पास अलग अलग गाड़ी है, आराम से यहाँ पे जोन के अंदर आएंगे। गोल्डन विराडो यहाँ पे ड्राइव करते हुए टीम नंबर 10 के काफी नजदीक पहुंचे हैं, टीम नंबर 10 से इनकी फाइट देखने को मिलेगी जो हमारी 4S के क्रोस्ट भाई है, उन्होंने यहाँ थिंक आई थिंक स्पॉट कर लेगा दो पास है एफ टी डब्ल्यू यहाँ पे जोन के अंदर आना चाहेंगे। 4S के हिटलर भाई भाई ऊंचाई से गिर के यहाँ पे नॉक हो गए, ऐसा कहाँ चढ़ गए थे भाई, लेट मी सी कहाँ चढ़ गए, जिक्सॉ भाई कहाँ चढ़ गए, और जिक्सॉ भी काफ़ी हाइट पर चढ़े हुए हैं यहाँ पे, वो टीम मेट को रिवाइव देने के लिए नीचे उतरते हुए यहाँ पे जंप कर गए और चलो बच गए भाई, हेल्थ लो नहीं हुई इनकी वहाँ पे। ईओ के आदि भाई यहाँ पे डाउन होते हैं फ्यूजन एस की तरफ से, कहाँ फाइट हो रही है भाई देखना पड़ेगा। टीम नंबर 15 की यहाँ पे फाइट हो चुकी है जो कि फाइट ले रही है टीम नंबर 13 से, इनका एक बंदा फिनिश हो चुका है, आदि भाई दो किला है यहाँ पे टीम 15 के पीछे, हमारी टीम नंबर 13 है जिसमें दो बंदे हैं फ्यूजन आ रहे हैं और टी एफ एस टी वाई डी जो कि 2v4 खेलते हैं, 4S के फ्रोस को यहाँ पे डाउन किया है मियर खलीफा ने, फाइट हो चुकी है भाई जोन के एच टीम नंबर 10 की यहाँ पे फाइट हो चुकी है, आई थिंक पूरी वाइप हो चुकी है, बच्ची हुई है तीन बंदे बच्चे हैं, एक बंदा फ्रोस्ट वाइप फिनिश हो चुके हैं
इतने सारे अलाइव इतनी छोटे सर्कल में। हाँ भाई ब्लू बैरी गेमिंग कॉमेडी आर्किड भाई यहाँ पे एंट्री दे चुके हैं। भाई भाई को दिखाओ प्लीज, आदित्य भाई दिखाते हैं, वेट करो। नहीं ब्लड की स्क्वाड को कुछ नहीं बोला, मगर रोहित को नहीं भाई, मगर रोहित ब्लड की स्क्वाड को कुछ नहीं बोलो मगर। अच्छा भाई मनीष भाई ऐसा क्यों भाई, रोहित को कुछ ये तो गलत बात है। ब्लड बीस्ट ने यहाँ पे यूजी से बी आई मॉ 8 के मॉन को यहाँ पे डाउन कर दिया। जोन बहुत छोटा, उसका छठा जोन देखने को मिलेगा। 9 टीम बचे हैं यहाँ पे, 24 बंदे लाइव है। और गाइस यहाँ पे टीम नंबर 11 के पास देखो आप कितनी स्क्वाड है, बहुत ही इंटेंस मूवमेंट चलता हुआ है यहाँ पर टीम नंबर 11 के पास। यहाँ पे बीस्ट भाई फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पे पुश करते हुए 11 किल हो चुके हैं। ब्लड बीस्ट यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। स्टॉर्म और जब बचे हैं वहाँ पे टीम नंबर 8 का पुश होता है, जब को यहाँ पे डाउन किया स्टॉर्म भाई अकेले बचे। यहाँ पे किल कंफर्म करें, स्टॉर्म भाई हील कर रहे हैं यहाँ पे 3 हेल्थ की टीम नंबर 8 पैंटेज। वहाँ पे ईओ के बंदे प्ले जोन से नॉक होते भाई, एकदम से जोन ही कटा, इसने जज्बात ही बदल दी। यहाँ पे जज भाई डाउन पड़े लेकिन उनको फिनिश नहीं किया गया अभी तक, देखते हैं टीम नंबर 8 के बंदे यहाँ पे फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। सॉम के 3 बंदे डाउन है, आर्थुर भाई तीनों को यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं। वहाँ पे एक्सी 18 के एक्वा ओपी यहाँ पे नॉक पे फिनिश हो चुके हैं, रजत भाई फिनिश होते हैं। स्टॉम बैक ले बचे, स्टॉम पे बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पे पुश करते तो यहाँ पर टीम नंबर 8 पूरी फिनिश होती है। यहाँ पे तीनों बंदे यहाँ पे डाउन पड़े हैं और रीपर भाई बहुत कम एच पी, आर्थुर भाई यहाँ पे तीनों को रिवाइव देंगे और हील करेंगे, लूट करेंगे, फिर फाइट में जाएंगे टीम नंबर 11 के। यहाँ पे स्टॉम से जो कि अकेले बचे हैं, 11 किलो हो चुके, 2 की निकाली, M24 चलाते देखेंगे इनकी M24 का और फटका देखेंगे। ब्लड रोहित ठसते बार मनीष तुझे और कोई काम नहीं है क्या भाई, ऐसे बोलेगा रोहित मैं फैन हूँ तेरा। अच्छा साले रोहित तेरा बाप है क्या भाई, ब्लड शेड यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं चैट के अंदर। टीम नंबर 11 के ब्लड स्टॉर्म अकेले बचे हैं, 11 किल हो चुकी है और यहाँ पे जोन निकलना चाहेंगे क्योंकि जोन भी हमारा स्टार्ट होने वाला है 5 सेकंड के अंदर। और टीम नंबर 8 हमारी एक्सॉम के चारों बंदे रिवाइव हो चुके हैं, 2 किल हैं इनके पास, गाड़ी भी है तो आराम से यहाँ पे जोन निकल चुके हैं। जोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, जोन निकल पाएगा टीम नंबर 10 के पास, बहुत ही अच्छा जोन जोन के अंदर खड़े हैं। सामने ब्लड स्टॉर्म का आई थिंक स्पॉट कर लिया और ओपन से आते हैं ब्लड स्टॉर्म, यहाँ पे डाउन करना बहुत ही आसान होगा। ब्लड स्टॉर्म के पास स्प्रे जाता हुआ यहाँ पे 4S की तरफ से, यहाँ पे टीम नंबर 8 का भी यहाँ पे स्प्रे जाएगा ब्लड स्टॉर्म को। ब्लड स्टॉर्म बिल्कुल बचे यहाँ पे किल करना बहुत आसानी होगा। इसके तरफ 4S के जिक्सॉन ने यहाँ पे ब्लड स्टॉर्म को फिनिश किया, ब्लड किसका कुल बैक हो चुकी यहाँ पे एक्सॉन के बंदे। टीम नंबर 8 पूरी स्प्लिट हो चुकी है भाई, फैल गए बंदे। टीम नंबर 17 के बंदे यहाँ पे जोन आते हैं, ऑक्सीसोल और बास FPW कोस्ट के फैलकन ओ गोस्ट फैलकन ओपी यहाँ पे डाउन होते हुए। टीम नंबर 9 के बंदे 2 बंदे डाउन है, ऐसे प्ले जोन के बाहर थे, प्ले जोन का डैमेज देकर के यहाँ पे नॉक होकर फिनिश हो गए। अब यहाँ पे 4S के हिटलर को यहाँ पे बास FPW ने डाउन किया है, 4S के सेक्सकॉल और जिक्सॉ भाई बचे हैं वहाँ पे, एक्सॉम की स्क्वाड यहाँ पे फाइट लेते हुए। टीम नंबर 8 का एक बंदा यहाँ पे डाउन है, 3 टीम बची है, 8 बंदे अलाइव। 2 वर्सेज 2 वर्सेज 3 की फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, नहीं भाई 2 वर्सेज 2 वर्सेज 4 की फाइट देखने को मिलेगी। टीम नंबर 8 हमारी पूरी लाइव है। मनीष कुमार नहीं मगर मैं तेरा बाप हूँ भाई, आज ऑफ है कुछ तो काम करूँ इसलिए चैट 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 खेल रहा हूँ। अच्छा भाई गाइस जल्दी से यहाँ पे स्ट्रीम को लाइक करो, यहाँ पे अभी तक 20 लाइक नहीं हुई है, 18 की वॉचिंग और 20 लाइक नहीं हुई, क्या बात, बड़ा मतलब बहुत ही। ओ भाई मेरे को लग रहा है कि शेट यार मेरा वायर हिल गया यार, सॉरी गाइस यहाँ पे वायर हिल गया है, अभी फोन कनेक्ट कर रहा हूँ भाई। गेम खत्म ना हो प्लीज, प्लीज गेम खत्म ना हो, गेम खत्म ना हो, गेम खत्म ना हो, वापस आ जाऊं मैं गेम के अंदर। ओके वापस आ गया, मैं वापस आ गया गेम के अंदर। और अभी भी यहाँ पे 2 वर्सेस 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे 4S के सैक्स स्क्वाड भाई यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, जिनको आई थिंक यहाँ पे आराम से रिवाइव मिल जाएगा क्योंकि रीच का कवर अच्छा खासा पीछे। टीम नंबर 8 के चारों बंदे यहाँ पे आना चाहेंगे लेकिन ऑक्सीसोल काफी ओपन चले, उनको पता नहीं कि पीछे यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे हैं। 3 स्क्वाड बची हैं भाई, बहुत ही इंटेंस मूवमेंट, जोन हमारा 8वां बनने वाला है। एक्सॉम के आर्थुर भाई यहाँ पे डाउन होते हैं, ऑक्सीसोल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, एकदम का दूसरा बंदा यहाँ पे डाउन होता है, 2 बंदे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। ऑक्सीसोल को फिनिश किया, 2 बादशाह FPW के लिए बचे। टीम नंबर 10 यहाँ पे हाइट पे पहुंचती हुई एस के 4S के सैक्स कोड और जिक्सॉ भाई यहाँ पे बादशाह के ऊपर पुश करते हुए। बादशाह ने यहाँ पे एक बंदा डाउन किया और बन बन की, और भाई बादशाह ने क्लच कर दिया यहाँ पे, दोनों बंदों को फिनिश किया। पीछे यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे बचे जिनका एक बंदा नॉक पड़े, जिनका पे रिवाइव दिया जा रहा है। एक स्वाम के रीपर भाई ऊपर की साइड आ चुके हैं लेकिन भाई 2 बादशाह FPW क्या खेल रहा है यहाँ पर, एक और बंदा यहाँ पे डाउन कर दिया। टीम नंबर 8 के यहाँ पे 2 बंदे डाउन है, जीमोस भाई और वैनम भाई बच्चे जिनको जस्ट अभी अभी रिवाइव मिला है लेकिन स्प्रे आता हुआ काफी लो कर दिया यहाँ पे जीमोस भाई आते हैं। इनको पता नहीं है कि बादशाह FPW वहाँ पे
बस थी कवर में, और इसी के साथ जिमोस को यहाँ पे डाउन कर दिया। अभी केवल वैनम बचे अपनी स्क्वाड में, जो कि यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं आर्थुर को। देखते हैं यहाँ पे रिवाइव दे पाते हैं कि नहीं। बाहर से F2W लेकिन आ चुके हैं यहाँ पर, किल कंफर्म करी अपनी, और यहाँ पे M4 चलाते हुए यहाँ पे वैनम को भी यहाँ पे फिनिश, आर्थुर को भी फिनिश करेंगे। अभी 1v1 की फाइट है, बाहर से F2W क्या ही खेला है यहाँ पर। और वहाँ पे वैनम को जोन में भी आना है, FTW पे यहाँ पे जोन है, और जोन हमारा 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे लास्ट जोन स्टार्ट होने वाला है। दो टीम बची है, 1v1 की सिचुएशन चल रही है। देखते हैं बादशाह के पास चिकन निकल पाएगा कि नहीं, अपनी किल भी कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किल बहुत मैटर करेगी। वहाँ पे एक सॉम की वैनम भाई अकेले बचे, जो कि यहाँ पे नेट कर रहे हैं। बादशाह के पास बहुत ही अच्छा हाइट का एडवांटेज है, वैनम भाई के पास थोड़ा सा नीचे वो जोन भी निकलना पड़ेगा। जोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन। देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्क्वाड के हाथ में यहाँ पे चिकन डिनर देखने को मिलेगा भाई। बादशाह FTW तीन बंदे यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया टीम नंबर 8 के। अभी केवल वैनम बचे हुए हैं, और जोन हमारा लास्ट चालू हो चुका है। अभी देखते हैं क्या होता है लास्ट जोन में। दोनों बंदे आमने सामने वाली फाइट है, वहां पे वैनम के पास बहुत ही अच्छा स्मोक का कवर है। ओके भाई, लास्ट जोन बना है। अभी हीलिंग गेम देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैनम के ऊपर थोड़े से शॉट्स आते हुए बादशाह FTW के, और यहाँ पे काफी लो कर दिया वैनम को, और इसी के साथ बादशाह FTW ने यहाँ पे वैनम को फिनिश करके चिकन डिनर निकाल लिया है भाई। सोल के बादशाह FTW गाइस, एक बार जल्दी से चैट में जीजी स्पैम कर दो। डोप बादशाह FTW के लिए जल्दी से यहाँ पे जीजी स्पैम करो गाइस, जल्दी से जो भी स्ट्रीम देखा है यहाँ पे जीजी स्पैम करो। और गाइस 21 की वॉचिंग आ रही है, फटाफट जल्दी से यहाँ पे स्ट्रीम को लाइक करो। जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई। बहुत ही ओपी चिकन डिनर निकाला है। एक सॉम के पूरे 4 बंदे अलाइव थे यहाँ पे लास्ट जोन में, लेकिन वहाँ पे बादशाह FTW ने 2 बंदे फिनिश किए थे यहाँ पे 4S के, फिर वहाँ पे पूरे 4 बंदे फिनिश किए हैं यहाँ पे एक सॉम के। क्या ही ओपी गेम प्ले देखने को मिला है हमें बादशाह FTW की तरफ से। तो एक बार गाइस फटाफट बात तो बनती है यार, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही जल्दी से यहाँ पे जीजी स्पैम कर दो बादशाह FTW के लिए, इसमें मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़े भाई। एक बार मैंने बोल दिया है, अभी मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। स्ट्रीम डिले है थोड़ा, लेट वो आएगा, तो जल्दी से यहाँ पे जैसे ही मेरी बात सुनोगे यहाँ पे बादशाह FTW के लिए जीजी स्पैम हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जब तक जिसने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया गाइस, लाइक करो, 20 लाइक्स जल्दी से पुश करो। यहाँ पे 14 लाइक है भाई, बहुत ही बुरा लग रहा है देख करके। यहाँ पे इतनी अच्छी वॉचिंग में भी यहाँ पे 14 लाइक, कैसा लगा आपको स्ट्रीम अच्छी लग रही है फटाफट लाइक करो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको यहाँ पे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी गाइस अब हमारे ग्रुप सी का मैच देखने को मिलेगा, जिसकी स्ट्रीम हमारी यहाँ पे ब्लूबेरी गेमिंग कम्युनिटी पे होने वाली, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कई जल्दी से फटाफट जा करके उस चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और उनके चैनल को भी सपोर्ट करो फटाफट। यहाँ पे ग्रुप सी और डी का मैच वहाँ देखने को मिलेगा हमें। तो चलो गाइस इसी के साथ आज की स्ट्रीम यहाँ बंद करते हैं, क्योंकि हमारा आज का कस्टम यहाँ पे ओवर हो चुका है। कस्टम नहीं भाई, मतलब आज के ग्रुप ए और बी का दूसरा मैच का टाइम ओवर हो चुका है। अभी केवल ग्रुप सी और डी का बचा, जिसकी स्ट्रीम हमें यहाँ पे ब्लूबेरी गेमिंग कम्युनिटी पे देखने को मिलेगी। और गाइस जल्दी से आप लोग लाइक नहीं किया भाई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, यहाँ पे जल्दी से लाइक कर दो। 20 लाइक 30 लाइक, कल तो यहाँ पे पूरी 40 लाइक हो गई थी, आज केवल 14 लाइक भाई, बहुत ही बुरा लगा। फटाफट जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो यहाँ पर। और अब चलते हैं, कल फिर मिलेंगे यहाँ पर हम, कल फिर मिलेंगे आज यहाँ पर हम अपने ग्रुप ए, कल हम करेंगे ग्रुप सी और डी की स्ट्रीम, जिनका हमारा तीसरा मैच होगा। सौरभ भुनाई भाई क्या मारा भाई बादशाह, हाँ भाई क्या ही खेला बादशाह भाई, कतई छा गया यार। उसने वहाँ पे 4S के 2 बंदों को फिनिश किया पहले, और वहाँ पे XOM के पूरे 4 बंदों को अकेले मारा है यहाँ पे, क्या ही ओपी क्लच निकाला है यहाँ पर। चलो भाई आज की स्ट्रीम यही बंद करते हैं, चलते हैं हम, कल फिर मिलेंगे। बाबा टाटा टेक केयर भाई, कल फिर मिलेंगे हम 2-3 बजे अपने ग्रुप सी और डी को लेकर के। ग्रुप ए और बी की कल स्ट्रीम होगी ब्लूबेरी पे, आज होगी 2 दिन से हमारे चैनल पर होती है, कल दोबारा से यहाँ पे ब्लूबेरी गेमिंग चैनल पे हमें ग्रुप ए और बी का मैच देखने को मिलेगा। और कल हम करेंगे ग्रुप सी और डी का मैच का स्ट्रीम, जो कि हमारा तीसरा मैच होगा। तो 4 मैच होंगे हर ग्रुप के क्वालिफायर में, और जिसमें से हम टॉप 10 टीम निकालेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं एक बार, कल फिर मिलेंगे, टाटा टेक केयर तक बड़ी। और लाइक जरूर कर देना, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
बाकी जो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपने दूसरे चैनल ब्लड वो क्या कहते हैं ब्लूबेरी गेमिंग कम्युनिटी पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको ना मिले तो आप उस लिंक पे क्लिक करो, सीधा आप उस चैनल पे पहुंच जाओगे, जाकर फटाफट उस चैनल पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है हमारे ग्रुप सी और डी की। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, टाटा भाई लोग, बाय 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 नहीं बाय बाय। चलो भाइयों चलते हैं, स्ट्रीम बंद करते हैं।